अंकिता लोखंडे को तुम छोड़ के, अपनी वाइफ को तुम छोड़ के तुम दूसरों को गेम खेल रहे हो, तो गेम खेल रहे हो तो फिर इंडिविजुअली आते। मेरा पीओवी है भाई, मेरे को बहुत खराब लग रहा है। को लग रहा है इसमें फुकरा इंसान को जरूर होना चाहिए था, वो जो इसमें निकलते ना इस वाले सीजन में। हेलो क्रेजी फैन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और फिर समेटा समाटी ड्राइंग रूम तो मोस्टली हो ही चुका है। अभी देखते हैं पूरा दिन क्या क्या आज कितना वाइंड अप हो जाता है भैया से। और जैसे जैसे दो तीन दिन रह गए करवा चौथ की, बिल्कुल तैयारी नहीं हुई हुई। मतलब छोटी मोटी खाने पीने की तैयारी है, वो जो लास्ट की जो होती है, वो जो मिठाई लानी होती है। चूड़ियां नहीं लाई अभी तक मैं, चूड़ियां लानी है और मम्मी के लिए गिफ्ट लाना है। कुछ नहीं लाई, कुछ नहीं किया। तो अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या करेंगे। आज तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो बने रहिए व्लॉग को देखते रहो। ये दोनों बच्चों की छुट्टी और ये देख लो, लड़ रहे हैं सुबह सुबह, ऐसे परेशान करते हैं। और आज मैं इनके लिए स्पेशल एक ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूं। शौर्य को पसंद है, सना ने तो ऐसी चीजें खाती नहीं है। शौर्य के लिए क्या बनाया मैंने आज, बताइए। मसाला इडली, इसको बहुत पसंद है। और कल अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पे इडली बनाई थी, फालतू बना ली थी मैंने। फराज खान जी पाकिस्तान से है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रेसिपी, बहुत टेस्टी होती है। ये जी मैम बन चुकी है, ये देखो मसाला इडली कितनी टेम्पटिंग लग रही है। दोनों टेस्ट टेस्ट दे रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। चलो फर्स्ट मस्त अपने मुंह में यार, कैसी है? बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने मिश्री में टेस्ट कर रहे हैं, वो सच बताते हैं। आप साथ साथ मिस्ट्री मैन को वो करते रहो, मुझे अच्छी नहीं लगती। चलो शौर्य शक्ल बना के दिखाओ। बहुत खुश हो गए हैं वो, अब मिलने वाला मुझे स्पेशल। एक चम्मच से थोड़ी कुछ होता है, सना को भी टेस्ट कराओ। एक चम्मच से कुछ नहीं होता। चलो बहुत बढ़िया है बेटा। बहुत बढ़िया सॉफ्ट इडली है, बहुत बढ़िया। इडली फैम राजेश भैया देंगे अब टेस्ट टेस्ट मसाला इडली का, वो देख लो। क्रेजी फैम यहाँ बैठे हैं और बच्चों की डिमांड पे, कभी इसकी डिमांड पे, कभी शौर्य की डिमांड पे। शौर्य ने कहीं कल लैड देखी होगी और डोरिटोस के नए कोई मंगवाए, और पूरे मार्केट में कहीं से नहीं मिल रहे थे। ये कुणाल ने पता नहीं कैसे मंगवाए हैं। और क्या है इनमें पता नहीं क्या है इसमें, है क्या ये कोई? Okay, मुझे बताना आपके बच्चे भी इतना ही तंग करते हैं जैसे ये दोनों करते हैं। इसका 4 बजे वीडियो आएगा क्रेजी, हम दोनों का टेस्ट कराया जाएगा सबको। सॉरी ना आया मेरे लिए तो घाप जो है, मुझे ये अच्छा लगा। ये फायर एंड कौन सा है? ये लाइमन चिली। चलो तू भी ये खा रही है? देखो शेप चेंज कर दी है और मुझे वो खट्टापन वैसे बहुत अच्छा। मतलब मैं अगर खरीदूंगी तो मैं वो वाला खरीदूंगी। चलो मेरा आपको बताऊं, अभी मिस्ट्री मैन ने कहा हमको सेम एक्सप्रेशन था, इतना खट्टा, इसे बहुत ज्यादा खट्टा है, गंदा। अरे बहुत स्वाद है। अब दूसरा भी बहुत अब मैं मेरे को भी बहुत ज्यादा आया। लगता है ये वाला सिजलिंग हॉट वाला। चलो खाने देते हैं, फिर मिलते हैं। चलो ये भी नहीं अच्छा लगा, सिजलिंग हॉट बेटर है ना, लेकिन कोई भी नहीं अच्छा। चुप ए चुप करे मैनेजर। सना फिर से डोसा के साथ पकड़ी गई, डोसा ही खा रही है। शौर्य अंदर पढ़ने गया हुआ है, साथ में चल रही है मिस्टर बीस की वीडियो। यमी प्रदीप है अब जाके खा रहा है, इसका नॉन वेज खत्म हुआ तब खा रहा है। ये टेस्ट टेस्ट देगा मस्त। और अभी नॉन वेज खत्म नहीं हुआ, अभी रुको सरप्राइज। भी हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा जब तक खाएगा नहीं तब तक सांभर खत्म नहीं होने दी। बच्चों का लंच करा चुकी हूँ और बड़े टाइम से बिग बॉस के बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं भी फॉलो नहीं कर रही थी। जो ग्लिम्स मिला मुझे, जो कहीं कहीं क्लिप्स मिली, अंकिता लोखंडे और विक्की के बारे में मैं बोलना चाह रही हूँ। पहले शुरू में मैंने ही बोला था कि विक्की मुझे ठीक लग रहा है, प्लेयर ठीक लग रहा है, बट मैं आपको एक बात बताऊँ, जो अंकिता अपना अपना पीओवी हो सकता है, अंकिता जो है ना, अंकिता एक होती ना वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो अंकिता इज राइट। अगर मैं कहीं मिस्ट्री मैन के साथ जाऊँ और वो मुझे इग्नोर करके कहीं और अपने रिलेशनशिप बनाए और खुद
उस चीज को मतलब करना चाहिए, मतलब मैं दिल से बोल रही हूँ, ये बात बोल रही हूँ, अंकिता टॉक्सिक नहीं है, जो बोल रहे हैं अंकिता लोखंडे टॉक्सिक है, यार अपने आप पार्टनर के साथ इतना एक्सपेक्टेशन तो आप रख ही सकते हो कि पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, नहीं तो फिर इंडिविजुअली जाते हैं वहां, उसका जाने का रीजन ये था अगर कहीं मैं मिस्ट्री मैन के साथ जाती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो हर जगह मेरे साथ खड़े रहे, औरों से ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंस है क्योंकि यार मैं उनकी पार्टनर हूं, मैं डिजर्व करती हूँ वो चीज, मेरे से ऊपर किसी को ना रखें। देखो कोई वाइफ ये चीज अगर जो देख रही है, ये क्रेजी फैम हमारे जो इसमें मैरिड लोग हैं वो ये चीज, मैरिड या अनमैरिड भी अगर आप यार पार्टनर्स हो तो आप ये चीज फील कर सकते हो। मुझे तो गुस्सा आ रहा था, मैं तो उनकी जगह अपने को रख लेती हूँ, मैं बता रही हूँ सिद्धार्थ शुक्ला और जब शहनाज थे ना, मैं सच्ची बताऊं मैं उनके कपल को मैं अपना कपल समझती थी, मुझे मतलब ऐसे देखती थी यार हाँ ऐसे होता था, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला जितना गुस्से वाला मिस्ट्री मैन वैसे ही थे और शहनाज ऐसे पूछे पीछे घूम के मनाती रहती थी ना, तो मुझे मतलब वो उसमें मैं अपना अपने चीजें देखती थी, मतलब मिस्ट्री मैन आपसे ऊपर किसी को नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, मिस्ट्री मैन को नहीं रख सकते, हमें तो रखते हैं ना बच्चों को, बच्चे अलग चीज है यार, बट बच्चों को मैं भी बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं किसी और को थोड़ी बर्दाश्त करूंगी, फिर भी बच्चों का सिनेरियो अलग। अब ये देखो ना, अब ये अंकिता लोखंडे को तुम छोड़ के, अपनी वाइफ को तुम छोड़ के तुम दूसरों को गेम खेल रहे हो, तो गेम खेल रहे हो तो फिर इंडिविजुअली आते, मेरा पीओवी है भाई, मेरे को बहुत खराब लग रहा है, मुझे वो अकेली बैठी है, तुम हंस रहे हो, आपका बाकी सबका पीओवी भाई साहब है। अच्छा आप बताना क्रेजी फैम, गलत बोल रही हूँ, मैं बींग अ वाइफ मेरा जो ये है मेरा, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा कल, मैंने इतना टाइम बाद देखा ना यार, तुम्हारा दिल कैसे मानता है, अगर हमारे बीच भी झगड़ा होता है, मिस्ट्री मैन बैठे हुए साथ में, अगर इनसे मेरा कोई झगड़ा, मैं दूसरों के साथ हंस बोल रही हूँ, ये आपस में हमारा झगड़ा ये कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती भाई। चलो जी आप बताओ, शुरुआत से फेवरेट कंटेस्टेंट देख ही रहा है अभिषेक, वो जैसे भी लेकिन एक तरीके से वो सही, सलमान खान सर ने भी अभिषेक कितना इमोशनल है, इमोशनल जितना गुस्से वाला उतना ही, मैं बताती हूँ जितना ये लोग दिखाते हैं ना, अच्छी लग रही है यूके राइडर को, तो क्या कर रहे हैं वो ना दिख रहे ज्यादा, तहलका भी मैं सोच के तहलका यार, तहलका तो मुझे लगा था तहलका मच जाएगा। हाँ ये मेरे को लग रहा है इसमें फुकरा इंसान को जरूर होना चाहिए था, वो जो इसमें निकलता ना इस वाले सीजन में उसका अलग ही इस टाइम, तूने इनका बताना, इनके जो अंकिता और विक्की की बात कर रही थी ना, बताओ अपना, मैं तो मेरे को विक्की ठीक लग रहा है, क्या ठीक है इसमें कि तो भाई वो गेम खेलना है उसको, तो उसको फेम चाहिए, वो आए इसलिए उधर है, तो फेम के वाइफ के बिना आ जाता ना ऐसी गेम, तुझे फेम मिल ही इसलिए रहा है कि आप अंकिता लोखंडे के हस्बैंड हैं, वो अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी दिखाना चाहते हैं ना इसलिए, तो मेरे को सही लगे, मतलब गलत वो भी नहीं है, अब ये देखो ना इस बच्चे को कुछ नहीं पता है, अंकिता मैम भी गलत नहीं है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सही है मेरे हिसाब से, बाकी मेरा इतना माइंडसेट वैसा नहीं है जो आपका है ना, मैं बता रही हूं, मैं एक वाइफ की तौर पे अगर देखूं तो ये मेरे को तो सही समझ आ रहा है। सना की भी क्लास हो गई है, सना वो अंकिता, अंकिता वो नहीं है, अंकिता और विक्की का कपल आया बिग बॉस है, मेरे से छोटे इसलिए मैं उनको ऐसे बुरा लगेगा यार, बुरा लगने वाली बात है, कोई भी लेडी ये चीज बोल दे कि हाँ हम हैप्पी है हमारा पार्टनर कहीं भी और हमें इग्नोर करके कर रहा है, तो मैं तो चलो और किसी से, इन शॉर्ट वी आर विद यू अंकिता, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, हर रिलेशनशिप में पॉसेसिवनेस होती है, और इग्नोर करे बिना अगर बात भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको साथ लेके चलो ना यार। फिर अब लंच करा के ना ये बच्चे आराम से बैठने नहीं देते, मेरे पीछे बड़ी हो कि पार्लर बुक करा के, पार्लर में प्यार कर सैलो सैलो हमारे टाइम पे पार्लर बुक कराना, और मुझे एक बात बताओ मेकअप की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसी जाती हूँ लाइनर लगा के, लीना के सगन के लिए ये मेकअप करवा रही है, लीना के सगन और शादी दोनों के लिए अपने आप ये बहुत अच्छा करती है, पर चल आई मेकअप की बात करके आएंगे, आई मेकअप और हेयर डू बस, और देखते हैं बहुत साया भारी है उस दिन का, सही कह तो सही है, दो चार दिन से पीछे पड़े, मैं कहा मिस्ट्री मैन फ्री होंगे तब जाएंगे, तो अब मिस्ट्री मैन कह रहे अभी चलना है तो चलो, क्रेजी फैम पहुंच गए हैं, सना ट्रेंड जाना है, लुक्स जाना है, गीतांजलि भी है, अभी पता करते हैं कोई छाया इतना भारी मिलेंगी, और भी ऑप्शन जरूरी थोड़ी ट्रेंड्स, क्रेजी फैम बुक करते हैं अब और फिर दिखाते हैं, अंदर तो क्लिप बनेगी नहीं, तो पता करते हैं रेट्स क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, वो दिवाली के देखो कितने सारे लोग लग गए, राज मंदिर है इधर, लेडी फैम फाइनल हुआ कुछ बताओ क्या था यार, अपने यहाँ एक तो बात चीजें ही नहीं पता यार, किसी हेयर स्टाइलिस्ट से तो बात कराओगे, अब 1000 ऑनवर्ड्स क्या होता है, 5000 ऑनवर्ड्स मतलब बात नहीं हो पाई ढंग से, मतलब मजा नहीं आया ना वो समझ पाए, उनको समझ उनका हो जाएगा वाला एटीट्यूड अपने को समझ, लेडी फैम हम घर के पास एक लेक में भी, तो वहाँ जा रहे हैं, से ही तुम लोग रेडी हो ना, हमें बस पिक करते चले जाना, इस तरह से कुछ कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ तो मुझे पता है हेड वॉश के लिए सना यहीं आती है, साफ अच्छा है,
बट मेकअप और हेयर डू के लिए चुके हेयर जो एक्सो लगा हुआ है, तो नया खुला बहुत अच्छा है, मतलब बड़ा है ना, अच्छा सा लगता है आते जाते देखते हैं। फर्स्ट टाइम मेकअप पूछते हैं इनसे कि क्या है इनका, और आई मेकअप चाहिए। हम फाइनल हो चुका है, सना फाइनल हो गया, चाची तेरा दोनों का अभी वन डे का ही हुआ है, अब वही है पहली बार करा रहे हैं तो एक बार जस्ट ट्राई करके। हाँ ऐसे करना चाहिए, नई चीज कोई भी बोले। हो चुका है पार्लर बुक, सैलों बुक, और वहाँ पे ना अच्छा था, नया खुला है हेयर जो हमारे यहाँ, और बड़ा अच्छा लगा मुझे, सर्विसेज अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात ना, अभी कंपटीशन है आपस में सबका, तो सर्विसेज दे रहे हैं और रश अभी कम है यहाँ पे, तो और चीजें मुझे जो हमें जो चाहिए था वो बात करने का होता है, कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा हो गया, बातचीत बड़ी अच्छी हो गई। और वहां मैंने पैकेज भी ले लिया, सना हेडवॉश जो कराती है तो आज हेडवॉश भी वहीं करा रही है। अभी मैंने 20th का फाइनल कराया है, मिस्ट्री मैन का बर्थडे भी है 20th को, बताऊंगी, और सगन भी है लीना का, सगन के लिए फाइनल करा लिया, और सगन पे अगर अच्छा लगा तो मैं 20th को ही वो जो एडवांस अमाउंट दे आऊंगी शादी के लिए भी, और होपफुली अच्छा ही लगेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि वो, उन्होंने बड़े अच्छे से गाइड भी किया है, सब कुछ उनके पास मिल जाएगा जो जो चाहिए। सना का नीड समझ गए वो, जो उसको बच्चा एक यार है तो अभी छोटी ना, बट उसको फिर भी एक अलग दिखना, यार वही बात है कि लीना दीदी की शादी है तो उसको रेडी तो अच्छे से होना ही है। तो देख लीना दीदी मेरी नहीं, सना की लीना दीदी। क्रेजी फैम सना आ चुकी है, हेड वॉश कैसा था? बहुत बढ़िया। और मेकअप आर्टिस्ट, मुंह अच्छी लगी आपको ये? अच्छी लगी ना, तो ठीक है, इसको मेकअप आर्टिस्ट भी पसंद आई है, और 20th को देखते हैं। मैं उनका इंस्टा चेक कर रही थी, मैंने देखा हाँ मैं अब, और आपका आपका वही करेंगे, और उन्होंने बोला कि आपका, मैं अब उनपे ट्रस्ट कर रही हूँ फुल्ली। हाँ तो वो कह रहे मेरे पर छोड़ दो, बड़ा अच्छा, 20th को देखेंगे और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे के साथ, भी उन्हें दिखा दी, उन्होंने बोला इससे बेटर करूंगी। तो और कुणाल भैया क्या शाम का क्या प्रोग्राम है? शोरमा। क्यों, किस खुशी में खाऊंगा शोरमा? किस खुशी में? वैसे मतलब संडे है, और सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, और वो वाओ वाली क्रेजी फैम आप देख सकते हो, बीटीएस लगाते हैं इसके अंदर, बीटीएस क्रेजी फैम, मुझे भी पागल बनाया था इन बच्चों ने। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, Just looking like a wow. चलो जी, एक बहुत बड़ा काम खत्म हुआ मेरा भी, इसका ये बहुत टाइम से पीछे पड़ी हुई थी, मिस्ट्री मैन के साथ जाके जो काम हो जाता है ना वही ठीक होता है। और एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, कल है मेरा मंडे का उद्यापन, सुबह 8 बजे 8:30 कॉलोनी के मंदिर में ही, पंडित जी ने बोला सारा सामान, वो पूजा जो फर्स्ट टाइम करना है मुझे, तो जो जो करेंगे दिखाएंगे आपको। और कुणाल सुबह आएगा बेटू? चलो। और क्रेजी फैम, मैं इतना डरी हुई थी कि बाई चांस अगर बुकिंग नहीं मिली कहीं तो क्या करूंगी, बट मिल गई, अब आई एम हैप्पी। ओके, आ चुके हैं क्रेजी फैम वापस, बस अब थोड़ी देर सना के साथ टीवी देखें, चंद्रमुखी हम मूवी एक शुरू की है, साउथ की हॉरर मूवी है, वो देखते हैं। और अभी हेयर डूज भी है, थोड़े फाइनल करेगी हेयर डूज भी, कोई आप भी कोई सजेस्ट करो इंस्टा पे, अगर डीएम कर दो कि कौन सा करा सकते हैं ओपन हेयर वाले। हाँ तो चलो अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे जब कुणाल आ जाता है। तो क्रेजी फैम हम जा रहे हैं शवरमा खाने, सीधा मिलते हैं उधर। चलो क्रेजी फैम, सना खा के पैक होके अभी टेस्ट टेस्ट देगी सब। कैसा है? हम शोरमा मेरा बहुत स्पाइसी बना है, टेस्ट टेस्ट देगा ये, सीरियस ले लिया भैया ने ज्यादा ही। मस्त भाई, मस्त है वो, बहुत ज्यादा स्पाइसी बनाया है, मस्त है ना। क्रेजी फैम हो गई है ईटिंग, क्या हुआ राउंड टू, राउंड थ्री चल रहा है छोरे का, सना मेरे 2 राउंड हो चुके हैं, और दो राउंड बाद हम ढेर हो चुके हैं, तो बस अब छोरे लास्ट राउंड कर रहे हैं, फिर चल रहे हैं घर। और तो कुछ नहीं खाना। क्रेजी फैम बच्चे आ चुके हैं, मजा आया मिस किया हमें, तो आज का शाउट आउट जाता है अंशु जेम जी को, थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं और एंडिंग कर दो, चलो फिर सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड और हिट प्रेस बेल आइकन, पीस।